नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 54 साल के सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। चुनाव से पहले ही बीजेपी ने ऐलान कर दिया था कि जीत मिली तो सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और आज हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार हैट्रिक के बाद नायब सिंह सैनी 2.0 का कार्यकाल शुरू कर चुके हैं। सैनी ने आज पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए के बड़े नेताओं की मौजूदगी में लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। अनिल विज उस बार बतौर मंत्री सैनी सरकार में शामिल हुए, लेकिन बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर नायब सिंह सैनी ही क्यों संगठन की पसंद बने, तो चलिए क्यों है ऐसा ये भी बता देते हैं। दरअसल मार्च में मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इससे हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। कहा जाता है कि संगठन के दिनों में बीजेपी से जुड़े काम के लिए नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर अक्सर एक साथ एक ही कार में जाया करते थे। मनोहर लाल से इसी नजदीकी रिश्ते का फल सैनी को हरियाणा सीएम के तौर पर मिला है। मार्च में हुए सत्ता बदलाव में बीजेपी आलाकमान ने सैनी के ऊपर दाव लगाया, जो सही भी साबित हुआ। कहा जाता है कि 25 जनवरी 1970 को अंबाला के मीजापुर माजरा में जन्मे नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का सफर काफी ज्यादा दिलचस्प है। कभी बीजेपी के राज्य मुख्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर रहे सैनी 1996 में संगठन से जुड़े। एलएलबी करने के बाद वो आरएसएस में भी शामिल हो गए। यहीं उनकी मुलाकात मनोहर लाल खट्टर से हुई, जिन्होंने उनके राजनीतिक जीवन में अहम भूमिका निभाई। सैनी लगातार राजनीति में सक्रिय रहे और जनता हित में काम करते रहे। सैनी के कामकाज और लोगों से जुड़ाव को देखते हुए भाजपा ने उन्हें 2019 में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। सैनी ने करीब 3 लाख वोटों से जीत हासिल की। विनम्रता और सौम्य छवि को देखते हुए पार्टी ने 2023 में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके 6 महीने बाद ही भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर सीएम पद के लिए इनको नियुक्त कर दिया। राजनीति में नायब सैनी के सफल होने के पीछे मनोहर लाल का अहम रोल रहा है। सैनी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।